योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, इसके पीछे हर एक की नज़र रहती है। तो ये खबर भी आपको योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई हर पहल के बारे में बताएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और आज उन्होंने 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, साधु संतों के साथ मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास के 81वें जन्म दिवस समारोह का उद्घाटन किया है और समारोह में कर्नाटक से लाई गई राम भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया गया, उसका अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से उठने लगा है और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है। तो आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। देश के अंदर भारतीय जनमानस ने लोक कल्याण के लिए समर्पित आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को फिर से देश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाया है और मैं आप सभी अयोध्या से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन और लोक कल्याण के लिए समर्पित मोदी जी की सरकार को आप सबने अपना आशीर्वाद दिया। लोक मंगल के प्रति यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहे, इस बात को लेकर के जो आशीर्वाद आप सभी पूज्य संतों ने श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के दिया है, वह निश्चित ही भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक अवसर है हम सब के सामने कि जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनकर के दुनिया के सामने मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके, क्योंकि इससे बड़ा दूसरा कार्य है भी हो नहीं सकता। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो मार्ग भारत से प्रशस्त होगा। दुनिया में करुणा और मैत्री का संदेश भारत ने दिया है। दुनिया में जब कहीं भी, जहां कहीं भी शांति, करुणा और मैत्री के बारे में चर्चा होगी तो पूरी दुनिया की मानवता को भारत की ओर देखना पड़ता है। लेकिन याद रखना, शांति और सौहार्द की बात तभी होती है जब कोई व्यक्ति, जब कोई समाज और जब कोई राष्ट्र उतना ही सशक्त, उतना ही समृद्धशाली और उतना ही शक्तिशाली होता है।